दोस्तों आपका स्वागत है कॉप्स ऑटो एंड टेक के नए वीडियो में। आज एक महीने बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। हम हमेशा ऑटो रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, आज भी ऑटो रिलेटेड ही होगा लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। तो हम आज जो है वो राइड कर रहे हैं। आज हमारे पास तीन गाड़ियाँ हैं, एक जो है वो लेजेंडरी 220 बजाज 220, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो दूसरी जो गाड़ी है वो तो अपनी हाइनेस है, आपको पता है। और तीसरी गाड़ी है शेखर की डोमिनार। तो तीनों गाड़ियों का हम बारी बारी थोड़ा थोड़ा चलाएंगे और उसका एक्सपीरियंस बताएंगे। तो इधर अपने आए हैं सुवा द ट्रैवलर और ये शिवराज भाई है। उधर उनकी लाल परी खड़ी है जो कि 220 लेजेंडरी 220 है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि एक महीने बाद वीडियो आ रही है, माफ़ कीजिएगा उस चीज़ के लिए मैं डाल नहीं पाया। तो इसको भी आप भर भर के प्यार देंगे। हम एक जगह घूमने आए हैं। ये जो शेखर भाई जो हमेशा अपने वीडियो में रहते हैं वो देखिए अभी इनका क्या मजा चल रहा है। स्विमिंग पूल में जाके आए हैं। इनसे भी राय लेंगे कैसी लगी, कैसी हुई राइड, 200 किलोमीटर में कैसा लगा आपको डोमिनार, वो सब राय लेंगे। किरण भाई है इधर हमारे साथ, किरण पास्ते फेमस यूट्यूबर। तो ये भी पिलियन करके आए हैं हाइनेस पे, तो इनसे भी एक्सपीरियंस पूछेंगे। कुछ ना कुछ तो आपका हमारा नाता है, इसलिए मैं एक महीने बाद भी आपके लिए कुछ ना कुछ तो वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो इसी बहाने सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, पैसे नहीं लगने वाले, बिंदास सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अब हम चला रहे हैं अपनी हाइनेस। अभी हाइनेस जो है ये कंफर्ट क्रूज़र है। ये देखिए 220 कैसे आगे जा रही है। इसका टॉर्क और पिकअप जो है ना वो हाइनेस से मैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ठीक है चलता रहता है। ये रोड भी थोड़ा सा ख़राब है तो इसमें हाइनेस का पूरा सस्पेंशन टेस्ट हो रहा है। डोमिनार भी गई आगे, डोमिनार भी अच्छी गाड़ी है लेकिन मुझे थोड़ी फ्रंट हैवी लगती है, वो उसको भी अभी हम चलाएंगे। हाइनेस का सस्पेंशन थोड़ा सा स्टीफर साइड है इसलिए, लेकिन उसका फ़ायदा कहाँ हो रहा है देखिए, यहाँ पे जैसे अभी मैं टर्न मार रहा हूँ थोड़ा सा कॉर्नरिंग में बहुत अच्छा फील देती है, कॉन्फिडेंस देती है। वो कॉन्फिडेंस ज़रूरी है हाइनेस में। उन दोनों गाड़ियों से ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स भी है, जैसे कि ABS है ड्यूअल चैनल, उसके साथ EBD है और ट्रैक्शन कंट्रोल है। अभी पल्सर 220 को इन दोनों के साथ कंपेयर करना वैसे नाइंसाफ़ी होगी, ऊपर से 10 साल पुरानी, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि आज हमें हमारे पास ये तीनों गाड़ियाँ हैं इसलिए हम कर रहे हैं। अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा मौसम है, मज़ा आ रहा है। अभी इसके बाद हम डोमिनार चलाएंगे, 220 भी चलाएंगे, तो आपको बताते हैं, उनकी भी राय लेते हैं, शेखर की, सुवंदन की, कि उनको भी कैसा लगा और किरण की भी एज अ पिलियन कैसे लगा उनको। टाइम टू स्विच। दोस्तों अभी अपने पास है ये वाइट डोमिनार, अपनी हाइनेस शेखर भैया लेके आगे चले गए हैं। अभी ये जो वाइट डोमिनार है जो मैं अभी चला रहा हूँ, ये हाईवे किंग कह सकते हैं इसको, स्पीड क्रूज़र अगर आपको चाहिए, जैसे हाइनेस कंफर्ट क्रूज़र है ये स्पीड क्रूज़र है। स्पीड में क्रूजिंग करना है, डिस्टेंस पार करना है, डोमिनार इज़ दी बेस्ट। लेकिन फ्रंट हैवी होने की वजह से मुझे वो कॉर्नरिंग करते समय या हैंडलिंग में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है। अभी एक सुंदर नज़ारा दिखा है, वहाँ पे रुकते हैं, उसके बाद चलाएंगे पल्सर 220 द लेजेंड। दोस्तों अभी हम बहुत ही ज़बरदस्त ऐसा रूट लेके दापोली जा रहे हैं। यहाँ पे सुवा भाई उनका 220 चला रहे हैं, यहाँ पे डोमिनार है, वहाँ पे अपनी हाइनेस है। मैं अभी डोमिनार भी चलाया हूँ। इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है तीनों गाड़ियाँ, और उसमें भी जो बारिश आई थी अभी बीच में, इतना ज़ोर से बारिश आया था और उस बारिश में भी जिस तरह से ये परफॉर्म कर रही थी तीनों की तीनों गाड़ियाँ, वो काबिले तारीफ है। तो दोस्तों अब हम चला रहे हैं अपनी फेवरेट पल्सर 220। ज़बरदस्त हैंडलिंग, ज़बरदस्त कॉर्नरिंग के साथ ये गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करती है। इसका टॉर्क और पिकअप करना लगभग नामुमकिन हो गया था बहुत सी गाड़ियों के लिए। आगे डिटेल में बात करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं मॉनसून राइड पे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो दोस्तों अब तक की जर्नी आपने देखी, मैंने तीनों गाड़ियाँ चलाई है, तीनों गाड़ियों के डिफरेंसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने देखा मोटो राइड करते वक्त कैसे एक्सपीरियंस आया था, मैंने बताया भी आपको। ये जो गाड़ी है ना लाल परी, हम इसको लाल परी कहते हैं, ये गाड़ी जो है ये किंग ऑफ द रोड है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर कंफर्ट के बारे में आप बात करोगे तो कंफर्ट में ये कहीं पीछे पड़ जाती है, लेकिन अगर आप रनिंग की बात करो या फिर टॉक की बात करो या पिकअप की बात करो तो इसका सानी कोई नहीं है। ये डोमिनार को भी पीछे छोड़ देती है, हाइनेस को भी पीछे छोड़ दे। अगर आप भागने की बात करेंगे, अगर 1-2-3 करके आप भगाएंगे तो सबसे आगे ये जाएगी, उसके बाद ये आएगी,
फिर हाइनेस आएगी, हमने ट्राई भी किया था। डोमिनार का कैसा है, एक क्रूजर बाइक और एक स्पोर्ट्स बाइक, उनके बीच का अगर कोई आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो आपको स्पोर्ट्स का भी फील दे क्रूजर का भी फील दे, तो डोमिनार इज द बेस्ट। स्ट्रेट रोड पे हाईवे पे डोमिनार स्कोर्स द पॉइंट। हाइनेस के बारे में अगर आप बात करेंगे तो हाइनेस का एक नहीं बहुत से प्लस पॉइंट्स है इस सब में मैं बोलूँगा, क्योंकि हाइनेस एक क्रूजर बाइक है। अगर आप हार्डकोर राइडिंग करना चाहते हैं, मतलब अगर आप 300-400 किलोमीटर दिन में क्रॉस करना है आपको, 300-400-500 किलोमीटर बिना किसी मगजमारी के या झिकझिक के, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। डोमिनार भी है, डोमिनार भी बेस्ट है, लेकिन डोमिनार कॉर्नरिंग में थोड़ी सी हेवी लगती है मुझे, फ्रंट हेवी होने की वजह से डोमिनार मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं देती है कॉर्नरिंग में या फिर स्ट्रेट रोड पे हाईवे पे। नो डाउट डोमिनार हैज़ नो राइवल, लेकिन जब कॉर्नरिंग की बात आती है या फिर किसी घाट में जाने की बात आती है तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं, जहाँ की कॉर्नरिंग में मैं आई वॉज सरप्राइज, कॉर्नरिंग में इसके जैसा कॉर्नरिंग ये दोनों बाइक नहीं कर रही थी, मतलब उनको जमी नहीं रहा था। जिस तरह से ये हैंडल हो रही थी, जिस तरह से ये मतलब वो बोलते ना हम कॉर्नर करते टाइम झुकाते हैं बाइक, तो दिस इज़ द बेस्ट। हैंडलिंग में नंबर वन पल्सर 220 है, हाइनेस है, फिर मैं कहूँगा डोमिनार है। स्ट्रेट रोड पे डोमिनार बेस्ट है, वहाँ पे ये पॉइंट स्कोर करेगी, हैंडलिंग में ये बेस्ट है, और ओवरऑल अगर देखेंगे तो हाइनेस बेस्ट है। अगर तीनों के हम फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो सबसे अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी दी है इस गाड़ी ने, क्योंकि ऑब्वियसली ये 220 सीसी है, तो ये 220 सीसी के हिसाब से इसने अच्छा दिया है, फिर हाइनेस ने दिया है, फिर डोमिनार ने दिया है, तो सीसी के हिसाब से दिया है। तो ओवरऑल अगर वर्डिक्ट देखें तो तीनों गाड़ियाँ, अगर आपको कंफर्टेबली जाना है और ज़्यादा भगाना भी नहीं है, बहुत भगाते नहीं है आप, अगर 80-90-100 के 95-100 जो है हाइनेस का एकदम डॉट पॉइंट है, जो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है जहाँ पे ये बहुत अच्छी चलती है, अगर आप 95-100 पे चलते हैं तो हाइनेस दी बेस्ट चॉइस, जो आप भगाना नहीं चाहते। लेकिन आप अगर 120-140 से क्रूज भी करना चाहते हैं और आपको डिस्टेंस भी कवर करना है और आपको कंफर्ट भी चाहिए जो कि अच्छा कंफर्ट मिलेगा, तो यू कैन गो फॉर डोमिनार। लेकिन आप अगर उड़ना चाहते हैं रोड पे बहुत अच्छी तरह से तो आप ये लेके जा सकते हैं। ये तो अभी प्रोडक्शन भी बंद हो गया, सब जिनके पास है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रखा है, तो अभी अपने दोस्तों की भी राय लेते हैं। जो किरण डोमिनार और हाइनेस पे दोनों पे पिलियन बैठा था, मैंने तीनों गाड़ियाँ चलाई है, शेखर और सुवंदन ने भी तीनों गाड़ियाँ चलाई, तो उनकी भी राय लेते हैं कैसा लगा। तो दोस्तों अभी शेखर भाई है, किरण है और सुवंदन भी है अपने साथ, तो तीनों को भी उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। शेखर भाई, ये राइड पे आपने कौन सी गाड़ी चलाई? मैंने मेरी चलाई डोमिनार और हाइनेस चलाई। हाइनेस चलाई, तो दोनों गाड़ियों के बारे में आपकी क्या राय है लॉन्ग राइड के लिए? लॉन्ग राइड के लिए दोनों गाड़ियां बेस्ट है, अगर आपके पास पेशेंस है तो हाइनेस डोमिनार से 100 गुना अच्छा है, कंफर्ट में वगैरह सब चीज सब में, अगर आपके पास पेशेंस है तो। हाँ, और आप भगाना ही चाहते हो, मैंने अभी वही बताया कि अगर आप 120 से भी चलाना चाहते हो और थोड़ा बहुत कम्फर्ट भी चाहिए तो डोमिनार इज द बेस्ट। हाँ, मतलब आपको अगर स्पीड चाहिए और क्रूजिंग के लिए आपको, मतलब आप स्पीड में अगर आपको क्रूज करना है ना तो फिर डोमिनार है, अगर नॉर्मली आपको रिलैक्स 80-90-100 पे अगर गाड़ी चलाना है लॉन्ग रूट, हाँ मैं लॉन्ग रूट बोल रहा हूँ, 70-80 किलोमीटर पे नहीं, लॉन्ग रूट में आपको अगर एकदम लंबा हाईवे है तो उस पर आपका आपको अगर गाड़ी चलाना है तो फिर हाइनेस ठीक है। यस, मैं भी वही बोल रहा था कि 80-90 का जो स्वीट स्पॉट है हाइनेस का, उस पर अगर आप चलाते हैं तो आप लंबे समय तक चला सकते हैं, और थोड़ा सा उसका सीटिंग पोजिशन भी डोमिनार से थोड़ा सा बेहतर है, और कॉर्नरिंग में हाइनेस ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है डोमिनार से, क्योंकि डोमिनार थोड़ा फ्रंट हेवी है, बराबर है। लेकिन अगर जिसको आदत है, जैसे शेखर भाई चलाते हैं उनको आदत हो गई है डोमिनार की, तो उनके लिए वो ठीक है। हाँ, मतलब इसका एक्चुअली हैंडल हाफ है, इसका फुल है। हाँ, तो आपका आप जब भी कॉर्नरिंग करोगे तभी आपको वो डिफरेंस फर्क समझ में आएगा। ठीक, तो अभी किरण भाई अपने साथ जो तीनों गाड़ियों पे पीछे बैठे थे एज अ पिलियन, तो हम एज अ पिलियन उनकी राय लेते हैं कि कैसा था। सबसे पहले तो वो हाइनेस पे बैठे थे हमारे साथ ओलादपुर तक,
उसके बाद उन्होंने डोमिनर पे शिफ्ट किया, फिर 220 पे भी सुवर्णन के पीछे बैठे थे, अपना दिल थाम के बैठे थे लेकिन बैठे थे। तो किरण भाई कैसा लगा आपको तीनों गाड़ियों पे ये ट्रिप करके? पहले तो मैं आपकी गाड़ी पे बैठा था इस पे, हाइनस पे, तो मतलब एक घंटे के बाद, एक या डेढ़ घंटे के बाद ना बैक पेन होने लगा। बैक पेन मतलब सीट पेन होने लगी पूरी एकदम, क्योंकि बहुत टाइम अगर एक ही जगह पर बैठोगे पेन होगा ही। मतलब ये सभी गाड़ियों के ऊपर मुझे हुआ, कॉमन है, मतलब सभी, मेरी नॉर्मल गाड़ी उस पे भी सीट, महाराजा सीट है मेरी बर्गमैन पे, तो उस पे भी सेम प्रॉब्लम होता है। तो बहुत एक या डेढ़ घंटे के बाद ना पेन होने ही लगता है नीचे, बाद में तो ब्रेक लेना ही है। हाँ, तो ब्रेक लेना ही है, 70-80 किलोमीटर पे ब्रेक लेना। हाँ, लेकिन स्पीड, ये लोग तो एकदम स्पीड पे चला रहे थे, मतलब 120, 100, मैं फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया 120 या 100, मैं जब चला था तो 50 या 60 के आए ऊपर कभी गया ही नहीं। अच्छा। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया और तब मुझे पता, और एकदम रिलैक्स बैठा था क्योंकि ऑलरेडी जो भी तीनों थे, ये तीनों चलाने वाले वो एक प्रॉपर राइडर थे, तो मुझे एकदम रिलैक्स बैठा था, मुझे डर भी नहीं था कुछ भी उसमें। अच्छा। तो बीच में मैं सो भी रहा था तो क्या कुछ भी डर नहीं था उसमें। अच्छा। और सिर्फ ये गाड़ी में क्योंकि पुराना गाड़ी है लेकिन अच्छा है, तो उस पर जब बैठ रहा ना मुझे वाइब्रेशन फील होता था एकदम, ऐसे पैरों को लगता था कि एकदम ऐसा वाइब्रेट हो रहा है। बाकी दोनों गाड़ियों में मजा आया, वाइब्रेट भी हो रहा है क्योंकि सुवंदन भाई इतना तेज भगाते हैं। हाँ, कि वाइब्रेशन सबसे ज्यादा ये 120 इस पे बैठा था मैं। हाँ, तो इस पे वाइब्रेशन उस वजह से हो रहा होगा। इसको बैकरेस्ट भी नहीं है तो थोड़ा डर लगता है, क्योंकि ये दोनों गाड़ी पे बैकरेस्ट है तो थोड़ा अच्छे से फील होता था, लेकिन इस पे नहीं है तो डर भी लग रहा था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये एक्सपीरियंस या राइडर है, तो मैं एकदम आराम से था। इस पे भी 120 के स्पीड पे मैं सोया था। तो रेकमेंडेड नहीं है, सोना नहीं है गाड़ी पे, पीछे गिर सकते हैं। सोना मत, अगर कहीं राइड पे जा रहे हो तो एक दिन पहले प्रॉपर नींद लेना। मैंने नींद नहीं ली थी, मतलब अगर मुझे 6 बजे निकलना था तो मैं रात को सोया ही नहीं दिन भर, तो रात को सोया नहीं इसलिए मुझे दिन भर नींद आ रही थी इसकी वजह से। तो ये तो एज अ पिलियन आपको तीनों गाड़ियों में सबसे अच्छी कौन सी लगी? ये हाइनेस, इस पे ज्यादा मैं बैठा था इसलिए ये अच्छी लगी मुझे। हाँ, क्योंकि उसका सीट भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ब्रॉड है, और ये क्रूजर होने की वजह से ये ज्यादा जोर से नहीं जाती है तो अच्छा लगता है इंसान को जाने में। लेकिन इस पे अगर आप बैठेंगे, मैं भी बैठा था इस पे पीछे, तो जिस तरह से सुवंदन भाई चलाते हैं, अभी मैंने भी चलाया, तो ये गाड़ी पे बैठने वाला बंदा भगाने को ही देखेगा, तो ऐसा पीछे हो जाता है आदमी, तो उस वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन भागने में बाप गाड़ी है। तो अभी हम सुवंदन भाई की राय लेते हैं, वो भी है यहाँ पे। तो सुवंदन भाई, ये सुवादा ट्रैवलर हाईवे ऑन व्हील्स, आप चैनल्स इनके हैं तो मैं सबके चैनल्स का लिंक दे रहा हूँ नीचे। तो सुवा भाई, आपने तीनों गाड़ियाँ चलाई है, ठीक है? आपने 220 भी चलाई है, आपने डोमिनर भी चलाई है, और आपने अपनी हाइनेस भी चलाई है। तो ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे रोड पे, तो आप तीनों में से कौन सी गाड़ी किस चीज के लिए रिकमेंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो तीनों गाड़ियाँ है, तो इसमें ये है आपका एक स्पीड क्रूजिंग वाला गाड़ी है, बराबर, जो डोमिनर है ना। हाँ, इट्स फॉर स्पीड क्रूजिंग, बराबर। ये जो आपकी गाड़ी है हाइनेस, हाँ, ये है कंफर्ट क्रूजर, कंफर्ट क्रूजर, दिस इज कंफर्ट क्रूजिंग मॉडल। यस, और ये क्रूजर में आती नहीं है, नहीं, ये स्पोर्ट्स है। यस, स्पोर्ट्स मॉडल। हाँ, दिस इज सेमी फेयर स्पोर्ट्स मॉडल, बराबर। तो इसको क्रूजर में कैटेगरी नहीं है, लेकिन हम लोग ने साथ में राइड की, सब लोग ने एंजॉय किया था ये राइड। तो राकेश भाई ने ये ब्लॉग बनाया। गाड़ियों की अगर सीसी की बात करें तो डोमिनर इज ऑलमोस्ट 400 सीसी, दिस इज 350 सीसी, एंड दिस इज 220 सीसी। पावर में अगर इसका मैं एज कंपेयर करूँ, 2010 का मॉडल है, तो पावर या टॉर्क का बात करूँ तो इसका टॉर्क काफी अच्छा है, टॉर्क अच्छा है, बहुत अच्छा टॉर्क। प्लस इसका जो सस्पेंशन है, इसको आप आराम से ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, आप इसको एडवेंचर टूरिंग में कन्वर्ट कर दो, मॉडिफाई कर दो इसको जैसा, या फिर स्टॉक, मेरी गाड़ी स्टॉक है अभी तक, मैंने इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, सिर्फ इसमें एक LED हेडलाइट लगाई है, ऑक्स लाइट लगाई है, बस वही है और कुछ चेंजेस नहीं है गाड़ी में। तो ये गाड़ी मैं अभी भी स्टॉक चला रहा हूँ। मुझे ये गाड़ी ऑफ रोडिंग में, मतलब खराब रस्तों पे, नॉट प्रॉपर ऑफ रोडिंग, खराब रस्तों में मुझे ये गाड़ी अच्छी लगती है। सही बात, आपको पता होगा मेरे पास डोमिनर भी है। हाँ, लेकिन मैं वो खराब रस्तों पे प्रेफर नहीं करता, कॉर्नरिंग में तीनों में सबसे बेस्ट यही है। यस, ये बहुत जबरदस्त है कॉर्नरिंग में। प्लस 220 का बात करें तो ट्रैफिक फिल्टर में काफी अच्छी है। हाँ, आप ट्रैफिक में इसको अच्छे से चला सकते हैं। वहाँ पे आपका डोमिनर है ना, ये आपको लॉन्ग क्रूजिंग में बहुत बेस्ट है। अगर आपको नॉर्थ के हाईवे से, लाइक राजस्थान हो गया,
या फिर वो साइड अगर आप राइड करते हैं तो ये गाड़ी का स्पीड आपको वो हाईवे पे 100 का स्पीड भी बहुत कम लगता है नॉर्मली, तो वहाँ पे ये गाड़ी डिफाइन करती है वहाँ पे कि आप 100-120 पे आराम से क्रूज कर रहे हैं। इंजन काफी रिफाइन है, डोमिनर का इंजन भी रिफाइन है, ऐसे नहीं कि रिफाइन नहीं है, 120 पे भी गाड़ी स्मूथ लगती है। तो ये मुझे लॉन्ग क्रूजिंग के लिए अच्छी लगती है। अच्छा। लॉन्ग राइड आप 400-500 किलोमीटर निकल रहे हैं, इंटरस्टेट कर रहे हैं आप, तो उसके लिए हाईनेस आपका ऑलराउंडर है। बराबर, ये आपको कंफर्ट भी देता है। बट ये कहाँ पे आपको लैग करेगा, आप जहाँ पे अगर जहाँ पे डोमिनर क्रूज कर रही है 120-140 पे, वहाँ पे ये थोड़ा आपको लैग करेगा पीछे, वहाँ पे ये भी भागती है 120-130 पे, लेकिन बट इसका टॉर्क कम, कंफर्ट खत्म हो जाता है उसका। हाँ नहीं, कंफर्ट होता है 100-110 पे अच्छा भागती है, लेकिन बात यही है कि उसका जो पिकअप है या फिर टॉर्क है वो वहाँ पे लैग कर जाती है, तो इनको मैचअप करने में उसको थोड़ा टाइम लगता है। सिंपल है, अगर आप हाईनेस ले रहे हैं, अगर आप कंफर्टेबली क्रूज करना चाहते हैं, रिलैक्स करो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ज्यादा भगाओ मत, तो दिस इज द बेस्ट हाईनेस। तो ऑल थ्री कैटेगरीज आर डिफरेंट, तो मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, बाकी अभी आपको राकेश भाई बताएंगे उनका फुल एंड फाइनल एक्सपीरियंस क्या है। तीनों गाड़ियों का एक्सपीरियंस अगर बताना है तो मैंने जैसे पहले भी बताया, अगर आप स्पीड में जाना चाहते हैं लेकिन ज्यादा कम्फर्ट आपको नहीं रहेगा तो भी चलेगा, तो गो फॉर दिस, दिस इज द लेजेंड। लेजेंड है ये, हमारे जमाने की 90s किड्स की ड्रीम बाइक है। अगर आप क्रूज भी करना है कंफर्टेबली और आपको स्पीड भी चाहिए, देन गो फॉर डोमिनार। और आपको अगर सुकून है, पेशेंस है, एकदम आराम से चलना चाहते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलेगी, हर एक चीज़ चाहिए आपको, गो फॉर हाईनेस। हाईनेस जो है ना वो इतनी रिफाइंड है कि उसमें वाइब्रेशंस आते ही नहीं है, वाइब्रेशंस नहीं है। दूसरी बात, तो उसमें वो जो बोलते ना, मराठी में बोलते मुंग्या आना, मतलब अभी हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, मतलब हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो सुन हो जाती है, पैर सुन हो जाते हैं, या फिर तो वो चीज़ इसमें नहीं होती है, तो इसमें वो सुन होने वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल तीनों गाड़ियाँ अपनी अपनी डिपार्टमेंट में बेस्ट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपका कौन सा एक्सपीरियंस है वो भी मुझे बताइए, आपका एक्सपीरियंस क्या है तीनों गाड़ियों के बारे में वो भी मुझे बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए। जय हिंद, जय भारत।